नमस्कार तुम्हारे सकुके आम चेनेल ले सपोस स्वागत जानसो आज भिडियो आम दशम श्रेणी विज्ञान प्रति पाठरपर सिलेक्टेड किसान एम सिक्यू तुम लोगों लिशो कि तुम लोग भिडिओ तो जब क्वेश्चन लैसा क्वेश्चन खि एटन टेस्ट हिसाब से एटेम्प करा तार तुम लोग प्रथम भिडिओ तो पज करा भिडिओ तो पज कर तुम लोग क्या राफ कागज एन गोटा ला राफ कपी एन गोटा ला एक्टर प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन अहारे प्रत्येक क्वेश्चन सपेक्षे तुम लोग सेकेंडको समय पाबा और सपेक्षे स्क्रीन तुम लोग टाइमार तो स्टार्ट हम और बीस सेकेंड प्रत्येक क्वेश्चन आन्सार कि हम तुम लोग भाबा और तुम लोग गोटा ला राफ कपी लिखा धरी ला क्वेश्चन नम्बर वन कारक अपन तो हम सी तुम लोग भाषा सी बी गति के सी लिखा और बीस सेकेंड शेष हर पीछे मैं प्रत्येक क्वेश्चन आन्सार तुम लोग डिस्काश कर आज भिडिओ तो टोटल पंचाशा क्वेश्चन कन्टिन्यू हम और पंचाशा क्वेश्चन शेष हर पास तुम लोग निजर फल कैलकुलेट करा तुम लोग पंचाशार भर क्या शुद्ध करा जद पंचाशार भर तुम लोग बयालिशा शुद्ध करा डेट मीन्स तुम बयालिश नम्बर पासा ठीक एक पंचलिशा कैसा डेट मीन्स तुम पंचलिश नम्बर पासा तुम जिमान नोपा लगिले नम्बर तो आम भिडिओ कमेन्ट सेक्शन लिखा उल्लेख करा कि पासा तुम और तुम लोग अनुजान तुम लोग अनेस आन्सार तो लिखा जो जी पासा गति के अहा आज भिडिओ आम्भ करूँ कि पुनर्बार मैं मन पेलै दी कि तुम लोग राफ कपी एन गोटा ला और प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन अहारे बीस सेकेंड समय पबा बीस सेकेंड आन्सार तो कि है भाई पे लिखा बीस सेकेंड शेष हर पीछते मैं आन्सार तो कह दीम ठीक है गति के प्रथम क्वेश्चन तो स्क्रीन स्क्रीन अहारे टाइमिंग स्टार्ट हो जाता बेसिकली प्रथम क्वेश्चन तो क्या विक्रियक मजद आयन विनिमय घटा विक्रिया क्या है अपशन ए संयोजन विक्रिया अपशन बी विजोजन विक्रिया अपशन सी अपशान विक्रिया अपशन डी डी अपशान विक्रिया टाइमिंग टाइमर स्टार्ट हो सात सेकेंड बाकी आ ओके टाइम अप ये क्वेश्चन तो प्रथम चैप्टर पर लिया और क्वेश्चन तो क्या विक्रियक मजद आयन विनिमय घटा विक्रिया कि क्या है विक्रियक मजद आयन विनिमय घटा विक्रिया डी अपशान विक्रिया क्या है क्वेश्चन तो कारेक्ट आन्सार कि हम ये क्वेश्चन तो कारेक्ट आन्सार हम अपशन डी गति के जिस अपशन डी तो लिखिशा तुम लोग सीटखन नम्बर दिबा और जिस डी तो लिखा ना नम्बर निदिबा एक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे क्वेश्चन तो स्क्रीन अहारे टाइमिंग टाइमर स्टार्ट हो जा एटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या तल क्या विक्रिया कला बगा फटोग्राफी व्यवहार कर तुम लोग चार अपशन चार विक्रिया बेसिकली विक्रिया कटाम लिखा और कैसे यार भर कौन विक्रिया कला बगा फटोग्राफी व्यवहार कर है सीट से ओके टाइम अप बेसिकली क्वेश्चन तो प्रथम चैप्टर पर लिया और यार कारेक्ट आन्सार तो हम अपशन ए विक्रियाटक विजोजन विक्रियाटक कला बगा फटोग्राफी व्यवहार करण एनेक्रिया आज ट्राइस ए जि सी एल गोज टू ट्राइस ए जि प्लास सी एल टू एक्टर बहुत मन प्रश्न सोधा है यह विक्रिया कला बगा फटोग्राफी व्यवहार करे नी है आन्सार तो कि हम एक विक्रिया कला बगा फटोग्राफी व्यवहार करे के अपशन यू थको पे के अपशन यू थको पे ठीक है ओके एक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आगू नेक्स्ट क्वेश्चन तो तलर कौन बराक्स प्रस्तुत करपशन ए कपड़ धुआ सोडा अपशन बी बेकिंग पाउडार अपशन सी ब्लीचिंग पाउडार अपशन डी बेकिंग सोडा ओके टाइम अप क्वेश्चन तो कैसे बराक्स कार प्रस्तुत करा है कौन पण्य सामग्री पर बराक्स प्रस्तुत करा है कारेक्ट आन्सार तो हम कपड़ धुआ सोडा यह क्वेश्चन तो कौन चैप्टर है एसिड खारक और लवण हे चैप्टर है नेक्स्ट इतना चार नम्बर क्वेश्चन चार नम्बर क्वेश्चन कैसे केवल पानी सहित विक्रिया कर धातु तो हल ओके अपशन ए एलुमिनियम अपशन बी पटासियम अपशन सी मेगनेशियम अपशन डी सोडियम केवल पानी बाष्प सहित मोर बाष्प शब्द तो थी गई इतना लिखा आज बार ओके टाइम अप केवल पानी बाष्प सहित मानने जलिय बाष्पत पानी भाप पानी जैसे भाप कर दूँ उतल भाप कर दूँ भापर विक्रिया कर धातु तो नाम कि आम से भापर विक्रिया कर धातु तो नाम से एलुमिनियम ठीक है अपशन ए कारेक्ट गति के जिस अपशन ए लिखिशा नम्बर दिबा और जिस अपशन ए लिखा ना कम्बर निदिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो तीनटा कार्बनर जौग प्रपानन थका कार्यकारी मूलक हल अपशन ए कार्बक्सिलिक एसिड अपशन बी एल्डिहाइड अपशन सी कीटन अपशन डी एल्कोहल ओके टाइम अप क्वेश्चन तो कि कैसे तीनटा कार्बनर जौग प्रपानन थका
प्रपा नन लास्ट एंडिंग नन है गति के कीटन कीटन आसे गए अपशन सी टू कारेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स मेंडेलिफे एकावरण नाम दिया मूल तो हल अपन ए स्केंडियम अपशन बी गैलियम अपशन सी जार्मेनियम अपशन डी कैल्सियम मेंडेलिफे कौन तो मूलक एकावरण नामे नामकरण कर ओके टाइम अप ए क्वेश्चन कैक आन्सार हम स्केंडियम अपशन ए कैक नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्रक्रिया द्वारा एट स्वपोषी जीवर कार्बन और शक्ति प्रयोजनता पूर्ण करपशन ए हालु संश्लेषण बोले अपशन डी बाष्पमोचन बोले अपशन सी स्थानांतरण बोले अपशन डी दीप्त फस्फोरिलीकरण बोले ओके टाइम अप आई थिंक ये क्वेश्चन तो सकते पासा भाई ये क्वेश्चन तो कैक आन्सार हम ए हालु संश्लेषण क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन तो अग्नाशय रसत थका प्रोटीन विश्लेषी उच्चेचक विध हल अपशन ए ट्रिप्सिन अपशन बी पेप्सिन अपशन सी लाइपेज अपशन डी एमाइलेज ओके टाइम अप क्वेश्चन कैसी अग्नाशय रसत थका प्रोटीन विश्लेषी उच्चेचक विध हल अग्नाशय रसत थका प्रोटीन विश्लेषी उच्चेचक विध की ट्रिप्सिन अपशन ए कारेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे न्यूरॉन में बार्ता ग्रहण कर अंश तो हल अपशन ए एक्सन अपशन बी डेंड्राइट अपशन सी डेहकुक अपशन डी साइनेप्स ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कैक आन्सार हम बी डेंड्राइट एट न्यूरॉन में कोई बार्ता ग्रहण कर अंश तो नाम कि डेंड्राइट मन रखा नेक्स्ट दस नम्बर क्वेश्चन अजन प्रजनन मुकुलोद्गम संघटित है अपशन ए एमिबाट अपशन बी ईस्ट अपशन सी प्लाज्मोडियम अपशन डी लेसमेनिया अजन प्रजनन मुकुलोद्गम कौन संघटित है कौन तो एककी प्राणी देह संघटित है ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कैक आन्सार हम बी अपशन बी कैक्ट नेक्स्ट एघार नम्बर क्वेश्चन समबृत्तिक अंग उदाहरण हल अपशन ए बादुली और चराई डेउका अपशन बी चराई और भेकुली अग्रपथ अपशन सी जेठी भेकुली अग्रपथ अपशन डी ऊपर आटाक ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कैक आन्सार हम अपशन ए बादुली और चराई डेउका गति अपशन ए कैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पोहर रश्मि एडाल वायर हेलनियको पानी प्रवेश पोहर रश्मिडाल अपशन ए उलम्ब का बेका हम अपशन बी उलम्ब पर आतर ले बेका हम अपशन सी दिश पर नक अपशन डी ऊपर एट न ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो बेसिकली पोहर चेप्टार तो है इतना पोहर रश्मि एडाल वायर हेलनियको पानी प्रवेश कौरपर देट मीन वायु लघुतम माध्यम कह पानी गति के पानी घनत माध्यम आम जानूँ लघुत माध्यम पर पोहर रश्मि घनत माध्यम प्रवेश पोहर रश्मिडाल अभिलम्ब उलम्ब कापि जाए गति केपशन कौन तो कैक हम अपशन ए तो कैक हम कारण इतना पोहर रश्मिडाल वायर वायु मानने लघुत माध्यम और कौन प्रवेश पानी पानी मानने घनत माध्यम लघुत पोहर जैसे घनत माध्यम पोहर रश्मिडाल उलम्ब काभिलम्ब का बेका है ठीक है अपशन ए तो कैक्ट नेक्स्ट तेरह नम्बर क्वेश्चन दापुन एन जिमाने दूर ठिय नोहर लगे प्रतिबिम्ब तो सदा ठिय है अपशन ए दापुन हल समतल अपशन बी अबतल अपशन सी उत्तल अपशन डी हय समतल नतुबा उत्तल ओके टाइम अप इत जी क्या क्वेश्चन प्रतिबिम्ब तो सदा ठिय है ठिय प्रतिम्ब कोने गठन कर समतल लापुण ठिय प्रतिम्ब गठन कर एक उत्तल लापुण ठिय प्रतिम्ब गठन कर कि उत्तल लापुण क्षेत्र आम प्रतिम्ब प्रकृति तो संकुचित हो जाए कि समतल क्षेत्र ना कि जीतने तुम क्या कत ठिय प्रतिम्ब गठन है गति के कैक आन्सार तो हम डी समतल नतुबा उत्तल नेक्स्ट चौध नम्बर क्वेश्चन तो आगे चौध नम्बर क्वेश्चन तो तुम्हारा क्या है मानुह चकुए बस्तु एट प्रतिम्ब गठन कर स्थान अपशन ए चकु पता अपशन बी कर्णिया अपशन सी अक्षिपट अपशन डी चकुमणि एडम इजी क्वेश्चन आई थिंक सकुए पारा कारण यह क्वेश्चन तो बहुत कमन बहुत टेस्ट पेपर यह क्वेश्चन तो थके ही
ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कार आंसर हम ऑप्शन सी मानव चकुए कोट प्रतिबिंब गठन कर अक्षिपट अक्षिपट बा रेटिना इक रेटिना बुलियो कय ठीक है एट नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन तो विद्युत नाम चैप्टर तो है टू रूम और फोर रूम रूट दूटा रूट समान्तर हजार संयोग करिले समतुल्य रूट किमान हब ऑप्शन किटा तुम लोग दिया आछे ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो जेहेतु रूट किटा टू रूम और फोर रूम बुली कइसे एकटा केनेके संयोग कइसे समान्तर हजार संयोग करिले समतुल्य रूट उलियाबले कि करू आमु आमि अनुन्यक बुझु करू गति के समतुल्य रूट लेट सपोज आर बुली धरि लैछो गति के एक्सप्रेशन तो केनेका धरण हबो 1 बाय आर इज इक्वल टू टू आमि अनुन्यक लब लैबो 1 बाय 2 हो जाबो ठीक एकरे 4 अनुन्यक कि हबो हबो 1 बाय 4 हो जाबो इया जदि आमि सिम्प्लिफाई करू 1 बाय आर यार आर टे कि बुझाइछ समतुल्य रूट तो बुझाइछ इज इक्वल टू यार एलसीएम तो हिबो 4 ऊपर हबो 2 प्लस 1 गति के 1 बाय आर इज इक्वल टू 3 बाय 4 यार जदि तुम उल्टा दिया एतु आर बाय 1 दैट मींस आर हो जाबो एतु 4 बाय 3 हबो आरो एकक तो हबो ओम गति के आमि कि पालु 2 रूम और 4 रूम दुटा रूट जदि समान्तर हजार संयोग करू तेंते ता समतुल्य रूट किमान हबो 4 बाय 3 गति के ऑप्शन सी करेक्ट जि हकले ऑप्शन सी तो लिखिसिला तेनलुके नंबर दिबा आ जि हकले ऑप्शन सी लिखा नाय तेनलुके कोनो धरनर नंबर ने दिबा एटा तेंते नेक्स्ट क्वेश्चन तो लाग बाहु क्वेश्चन नंबर 16 विद्युत चुम्बकीय आदेशर नीति आधार सजा सजुलिबिद होल ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर ऑप्शन बी वोल्टमीटर ऑप्शन सी वैद्युतिक मोटर ऑप्शन डी वैद्युतिक जेनरेटर बा जेनरेटर ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कार आंसर हबो जेनरेटर विद्युत चुम्बकीय आवेश आवेश नीति आधार सजा सजुलिबिद नाम कि तने जेनरेटर एटा तने नेक्स्ट आमा 17 नंबर क्वेश्चन हबो 17 नंबर क्वेश्चन तो कइसा महासामुद्रिक तापीय शक्ति उत्पन्न हुआ कारण ऑप्शन ए ऑप्शन ए महासागर ढोत थका शक्ति ऑप्शन बी महासागर विभिन्न गभीरता उच्चतार पार्थक्य ऑप्शन सी महासागर विभिन्न स्तर चाप पार्थक्य ऑप्शन डी महासागर विशालतार बाबे ओके क्वेश्चन तो सुधिसले तुम लोग महासामुद्रिक तापीय शक्ति उत्पन्न हुआ कारण तो महासामुद्रिक तापीय शक्ति उत्पन्न हुआ कारण तो हल महासागर विभिन्न स्तर विभिन्न गभीरता उष्णतार पार्थक्य गति के ऑप्शन बी तो करेक्ट हम ठीक है जिस ऑप्शन बी तो लिखिसले तुम लोग नंबर पाबा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन तो तुमको कैसे तलर कौनवेश तंत्र एट अजैविक उपादान ऑप्शन ए बैक्टेरिया ऑप्शन बी उद्भिद ऑप्शन सी प्राणी पानी ऑप्शन डी प्राणी क्वेश्चन तो कैसे अजैविक उपादान जैविक बुली क्या नाई ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो आंसर की हम पानी हम कारण पानी हल अजैविक पदार्थ एटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे क्वेश्चन नम्बर 19 परिवेश रक्षार बारे आम तलर कौन तो पार ऑप्शन ए ह्रासकरण ऑप्शन डी पुनः सक्रियकरण ऑप्शन सी पुनः व्यवहार ऑप्शन डी ऊपर आटाई कटा ओके टाइम अप आई थिंक ये क्वेश्चन तो आशा कर सकते पासा इार कार आंसर तो हम ऊपर आटाई कटा नेक्स्ट 20 नम्बर क्वेश्चन बृहत नदीबान निर्माण जड़ित समस्या समूह हल ऑप्शन ए बृहत परिस्थिति तंत्र विनष्ट है ऑप्शन बी बृहत परिसर शस्य पथार हेरवलिया है ऑप्शन सी एक और दुई एटाओ ऑप्शन डी एक और दुई दुईटा ओके एक माने ऑप्शन ए कथा कैसे दुई माने ऑप्शन बी कथा कैसे ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कार आंसर कि हम ए क्वेश्चन तो कार आंसर हम ऑप्शन ए टू करेक्ट और ऑप्शन बी टू करेक्ट गति के सब गले कौन कार हम ऑप्शन डी टू कार नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे ताप ताप शोषण हुआ रासायनिक विक्रिया की क्या है ताप शोषण हुआ रासायनिक विक्रिया की क्या है ऑप्शन क्या कि दी अपषण विक्रिया संयोजन विक्रिया तापग्राही विक्रिया और तापवर्जी विक्रिया ओके टाइम अप ए क्वेश्चन का आंसर की हम ताप शोषण हुआ विक्रिया की क्या तापग्राही विक्रिया गति के ऑप्शन सी टू करेक्ट इतना नेक्स्ट टाइम 22 नम्बर क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे ब्यूटान थका कार्यकारी मूलक हल ऑप्शन ए कार्बक्सिलिक एसिड ऑप्शन बी कीटन ऑप्शन सी एल्डिहाइड ऑप्शन डी एल्कोहल ओके टाइम अप यार लास्ट एंडिंग चुना जी नन गए कीटन आस गए कम जो ऑप्शन बी कारे
नेक्स्ट 23 क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन एटा मौल अक्सिजेन विक्रिया कर उच्च गलनांक जौग उत्पन्न कर जौग तो पानी द्रवन सम्भव मौल तो कि हम एकदम इजी क्वेश्चन आई थिंक सकुए पारा ओके टाइम अप क्वेश्चन तो कार आंसर हम कैल्शियम सम्भव मौल तो कि हम कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन तो कैसे एटा द्रवर रंगा लिटमास नीला कैसे इार पी एस हम पारे ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी फाइव ऑप्शन डी टेन रंगा लिटमास नीला कैसे ठीक है हेटुए हिंट ओके टाइम अप एटा द्रवर रंगा लिटमास नीला कैसे डेट मीन्स द्रव तो केनेकुवा प्रकृति क्षारकीय प्रकृति गति के क्षारक की है पी एस हाथ बेसि है हाथ बेसि एटा टेन अपन डी कैक हम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लक्ष्य बस्तु समान आकार हद प्रतिबिम्ब पाले हमें लक्ष्य बस्तु तो उत्तर लेंसर सम्मुख कौन स्थान रखी लगे अपशन ए लेंसर मुख्य फकास अपशन बी फकास दैर्घ्य दुगुण दूर अपशन सी असीम अपशन डी आलु केन्द्र और मुख्य फकास मजब आई ना ये क्वेश्चन तो कार आंसर कि हम फकास दैर्घ्य दुगुण दूर डेट मीन भाज केन्द्र नेक्स्ट 26 नम्बर क्वेश्चन 26 नम्बर क्वेश्चन कैसे शस्य बटनी हर समय बटनी प्रवाह अपशन ए बुजन परमाणे बाढ़ जाए कमी जाए अपशन बी सलनी है अपशन सी बुजन परमाणे बृद्धि पाए अपशन डी अबियत सलनी है टाइम अप आशा करेशन तुम लोग पासा इन्सार हम बुजन परमाणे बृद्धि पाए शस्य बटनी मानने शर्ट सार्किट हर समय बटनी प्रवाह बुजन परमाणे बृद्धि पाए नेक्स्ट 27 नम्बर क्वेश्चन समगणीय श्रेणी जौगबूर आणविक भर बृद्धि अपशन ए उतलांक कमी जाए अपशन बी उतलांक बाढ़ जाए अपशन सी गलनांक बाढ़ जाए अपशन डी उतलांक और गलनांक दुटा बाढ़ जाए ओके टाइम अप क्वेश्चन तो कार आंसर हम डी क्या समगणीय श्रेणी जौगबूर जो आणविक भर तो बढ़ाई गई थका तेरा उतलांक गलनांक बृद्धि गई थे अपशन डी टू कारेक्ट अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे खाद्य बस्तु भरा रखा पात्र टीन प्रलेप दिया है जिंक नियो अपशन ए टीन टीनक जिंक दामी अपशन डी जिंक गलनांक टीनक बेसि अपशन सी जिंक टीनक अधिक क्या अपशन डी जिंक टीनक कम हक क्या यू आई थिंक सकुए पारा कारण यू कितब क्वेश्चन है ओके टाइम अप क्वेश्चन तो कार आंसर हम अपशन सी जिंक टीनक अधिक सक्रिय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 29 क्वेश्चन कैसे विद्युत प्रवाह एसा एकक हल अपशन ए एम्पियर अपशन बी कुलम अपशन सी भल अपशन डी ओम ओके टाइम अप इत जी प्रवाह एसा एकक सुधि प्रवाह एसा एकक कि एम्पियर जैक आम ए संकेत द्वारा डिनोट करूँ गति के अपशन ए टू कैक हम कुलम संकेत कि आज सी और भल्टर कारण भि उमर कारण ए सीन तो ओके आम नेक्स्ट 30 नम्बर क्वेश्चन आग पार 30 नम्बर क्वेश्चन कैसे तलर कौन तो सूर्य पोहर वियोजित है अपशन ए एन एस सी एल अपशन बी के सी एल अपशन सी ए जि सी एल अपशन डी बी एस सी एल टू तलर कौन तो सूर्य पोहर वियोजित है सीसे सूर्य पोहर वियोजित है मानने वियोजन विक्रिया कौन संघटित है कौन जौग ऊपर सूर्य पोहर दिले वियोजन विक्रिया संघटित है ओके क्वेश्चन तो कार आंसर कौन हम ए जि सी एल जो के अपशन ए जि बी आर दिले हैं कैरेक्ट हल है ठीक है गति के कार अपन कौन हम ए जि सी एल नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर हम क्वेश्चन नम्बर हम 31 और क्वेश्चन कैसे तलर कौन क्लोरीन विक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न है अपशन ए सी एस ओ फोर अपशन बी सी ए ओ एस टू अपशन सी के ओ एस अपशन डी एम जि ओ एस टू इतना टू टू बो तल लगे आई थिंक बुझी पासा के लिखा संकेत ओके टाइम अप क्वेश्चन तो कार आंसर तो कि हम कौन क्लोरीन विक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना है मानने शिथिल सुन यार तार संकेत तो कौन हम तार संकेत तो हम तुम अपशन डी गति के अपशन बी टू कैरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 32 क्वेश्चन कैसे तलर कौन अधा तो जुलिया अपशन ए कार्बन अपशन बी क्लोरीन अपशन सी आयोडीन अपशन डी ब्रोमीन
ओके टाइम अप कुंतु अधातु जुलिया है आमा ब्रोमीन टु जुलिया है गतिके ऑप्शन डी टु करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सोल्डर कुन-कुन धातु हंकर धातु हंकर हंकर धातु है सोल्डर कुन-कुन धातु हंकर धातु ऑप्शन गिता दिया हुआ है ओके टाइम अप सोल्डर कुन-कुन धातु हंकर धातु है लेड आरु टिन गतिके ऑप्शन सी टु करेक्ट हबो ठीक আছে नेक्स्ट এন্ড কোয়েশ্চন নাম্বার 34 লাগব 34 কইছে পেন্টেনত থকা সহযোজী বান্ধনী সংখ্যা অপশন এ 12 অপশন বি 14 অপশন সি 16 অপশন ডি 17 টাইম আপ এন্ড পেন্টেনত থকা সহযোজী বান্ধনী হিসাব কৰিব হলে প্ৰথমে পেন্টেন ৰাখি লব লাগিব পেন্টেন মানে কাৰ্বন 5 টা আছে গতিকে মই যদি পেন্টেন ৰাখি লওঁ গতিকে এনেকুৱা হ'ব মিথ ইট প্ৰ বিউট পেন্ট আৰু প্ৰত্যেকটো এক বান্ধনী লগাই দিম গতিকে এতিয়া ইয়াত বান্ধনী সংখ্যা হিসাব কৰা এডাল দুডাল তিনডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ছডাল সাতডাল আঠডাল নডাল দহডাল এঘাৰডাল বাৰডাল তেৰডাল চৈধ্যডাল পোন্ধৰডাল ষোল্লডাল গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন চি কাৰেক্ট পেন্টেনত থকা সহযোজী বান্ধনী সংখ্যা কিমান ষোল্ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35ত কোৱা হৈছে এলকিনৰ সাধাৰণ সংকেত হ'ল অপশ্যন কিটা দিয়া হৈছে এলকিনৰ সংকেতটো কি হ'ব সাধাৰণ সংকেতটো কি হ'ব ওকে টাইম আপ এলকিনৰ সাধাৰণ সংকেতটো হৈছে CN is twice n plus 2 alkyne to kiman cn is twice n aru alkyne to hoise cn is twice n minus 2 gotike jehetu alkyne koise gotike option b to kare hobo next question number 36 porjabita talikar borga eta tololoi jante tolor kuntu bidhi no hoy option a paramanobik byakhadhya option b dhatubiyo gun option c jujon jujak electron option d paramanu koikkhya ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कार गन ऑप्शन होबो सी पर्याप्त तालिका वर्ग एटा तललै जदि आमी जा तेतिया तार कुनोटा माने मोल होबो जुजक इलेक्ट्रॉन बु बाही गइन थाके ओके नेक्स्ट एंड 37 नंबर क्वेश्चन तो ले आबहु क्वेश्चन तो कहा छ पाचन नली खाद्य लगत मिहली हुआ प्रथम तो उच्चेशक होल ऑप्शन ए पेप्सिन ऑप्शन बी पित्त रस ऑप्शन सी एमाइलेज ऑप्शन डी ट्रिप्सिन ओके তেন্তে এই কোয়েশ্চনটো কাৰ আনসারটো কি হ'ব সি টু হ'ব কেলে কাৰণ আমাৰ এমাইলেজ কৰ থাকে লালটি থাকে আমি প্ৰথমে মুখৰ খাদ্য খাওঁতে আমাৰ কি হয় পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো মুখৰ পৰা আৰম্ভ হয় গতিকে আমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াত খাদ্য লগত মিহলি হোৱা প্ৰথম উচ্চেচকটো কি হ'ব লালটি এমাইলেজ গতিকে অপশ্যন সি টু কাৰেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 38 কোয়েশ্চনটোত কৈছে তলৰ কোনটো ঘটনা হালু সংশ্লেষণৰ লগত জড়িত নহয় অপশ্যন এ সূৰ্য পোহৰৰ শোষণ অপশন বি কাৰ্বনৰ জাৰণ অপশন সি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বিজাৰণ অপশন ডি পানী অণুৰ পৃথকীকৰণ ওকে টাইম আপ এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব বি কাৰ্বনৰ জাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো তোমাৰ হালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত নহয় বাকীকেইটা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 তলৰ কোনটো উদ্ভিদ হৰমন নহয় অপশন এ অক্সিন অপশন বি সাইটোকাইনিন অপশন সি জিবাৰেলিন অপশন ডি ইনসুলিন ओके टाइम अप आई थिंक इक्वेशन तो आशा करिसु हकले पाइसा कारण इक्वेशन तो कि एकदम इजी क्वेशन आमी जानो ऑक्सिन उद्भिद देह थाके साइटोकाइनिन थाके जिबाइलिन थाके किंतु इंसुलिन मानुह देह थाके अग्नाशय ग्रंथि निखरण करे आरो एबिट हार्मोनर कारण कि होय आमा डायबिटीज सुक्त होय हय ना नेक्स्ट एंड 40 नंबर क्वेशन क्वेशन तो कइसे तल कोनतु आमार पश्चात मस्तिष्क अंश नहय ऑप्शन ए मेडुला ऑप्शन बी सेरिबेलम ऑप्शन सी सेरिब्रम ऑप्शन डी पॉन्स ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो कायक ऑप्शन तो हबो सी सेरिब्रम सेरिब्रम पश्चात मस्तिष्क अंग बा अंख नहय
नेक्स्ट स्टैंडर्ड 41 क्वेश्चन बैक्टीरिया द्वारा हुआ जोन रोग बीट होइसे ऑप्शन ए मलेरिया ऑप्शन बी डायरिया ऑप्शन सी गोनोरिया ऑप्शन डी एच्स टाइम अप ए क्वेश्चन तो करेक्ट ऑप्शन तो होगा गोनोरिया ठीक है मेलेरिया द्वारा जोन रोग हुआ जोन रोग बीट होइसे गोनोरिया बाकी ए दुटा तो प्रथम गिटा तो जोन रोग न होय या जोन रोग दुटा दिया होइसे गोनोरिया आरो एच या बिटा बैक्टीरिया द्वारा हुआ तो कोन होबा तंदे बैक्टीरिया द्वारा हुआ तो होबा गोनोरिया मेलेरिया आरो डायरिया एकटा जोन रोग न होय नेक्स्ट स्टैंडर्ड 42 क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन ट्राइनोबिल नामक जीवाश्म बीट प्रकृतते ऑप्शन ए एटा अमेरुदंडी ऑप्शन बी एटा मास ऑप्शन सी एटा हरिशिप ऑप्शन डी एखिला पात टाइम अप ए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राइनोबिल प्रकृतित की है एटा अमेरुदंडी है ए क्वेश्चन तो तुम लोग वंशगति और क्रम विकास चैप्टर तो अंतर्गत है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 तल कौन कृत्रिम परिवेश तंत्र है ऑप्शन ए पुखुरी ऑप्शन बी शस्य पथार ऑप्शन डी हट ऑप्शन डी बनांचल टाइम अप ए क्वेश्चन तो कार आंसर की हम शस्य पथार बाकी क्या तुम प्राकृतिक परिवेश तंत्र है और शस्य पथार तो हम तुम कृत्रिम परिवेश तंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 30 सेंटीमिटार भाज व्यासार्ध गोलकार दापुन एखन फोकास दैर्घ्य हम ऑप्शन ए 10 सेंटीमिटार ऑप्शन बी 15 सेंटीमिटार ऑप्शन सी 20 सेंटीमिटार ऑप्शन डी 30 सेंटीमिटार ओके टाइम अप आमी एटा रिलेशन जानू रिलेशन तो होइसे एफ इक्वल टू आर बाय टू यात एफ टो की बुझाय फोकास दैर्घ्य आर टो की बुझाय भाज व्यासार्ध यार आर वैल्यू किमान आर वैल्यू जेहेतु 30 गतिके आमी आर जगा 30 लिखिब पारु 30/2 गतिके आन्सर किमान हबो 15 सेन्टिमिटार ऑप्शन बी करेक्ट एटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पदार्थ एटा पोहर दुटी 1.25 × 10⁸ एटु ऊपर पावर तो हिबो लिखिले 10⁸ मीटर पर सेकंड आरो वायु पोहर दुटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पदार्थ तो प्रतिखण अंक किमान हबो ओके टाइम अप ए क्वेश्चन तो आंसर की हम प्रतिखण अंक के उलिये वायु पोहर दुटी डिवाइडेड बाय पदार्थ पोहर दुटी ऊपर की है वायु वायु पोहर दुटी डिवाइडेड बाय पदार्थ पोहर दुटी এটা বায়ু পোহৰ দুটি কিমান দিয়া হৈছে 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড আৰু পদাৰ্থটো পোহৰ দুটি কিমান দিয়া হৈছে 1.25 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড ইয়াত এইটো কটাকটি গল 10⁸ কটাকটি গল ইয়াত থাকিলে ওপৰত 3 তলত থাকিলে 1.25 ওপৰতলে 100 টা পূৰণ কৰি দিম গতিকে ওপৰটো হৈ যাব তোমাৰ 300 আৰু এইফালে হৈ যাব 125 এতিয়া যদি এটো খৰণ কৰো কিমান পাবা যদি আমি 325 হৰণ কৰো 325 হৰণ কৰিলে কিমান লাগিব 300 ডিভাইডেড বাই 125 তোমাৰ প্ৰথম দুবা যাব 250 নেক্সট তোমাৰ ইয়াত 50 বাকি থাকিব দশমিক লগাম শূন্য আহিব তোমাৰ 4 বা যাব গতিকে ইয়াত আমি পাম 500 গতিকে আমাৰ আনসার হ'ব 2.4 গতিকে অপচন এ টো কাই যি সকলে অপচন এ টো লিখিছিলা তেওঁলোকে নম্বৰ পাবা বাকি সকলে নম্বৰ নপাবা বেসিক্যালি এটেন্ডে আমাৰ কেটামান কোৱেশ্চন বাকি আছে नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 এজন ব্যক্তিৰ দুটা চকুৰ বাবে দৃষ্টি প্ৰহাৰ প্ৰায় অপচন এ 90 ডিগ্ৰী অপচন বি 150 ডিগ্ৰী অপচন সি 180 ডিগ্ৰী অপচন ডি 200 ডিগ্ৰী ওকে টাইম আপ এই কোৱেশ্চনটো যিহেতু দুটা চকুৰ কাৰণে সুধিছে দৃষ্টি প্ৰহাৰ দুটা চকুৰ কাৰণে দৃষ্টি প্ৰহাৰ হৈছে 180 ডিগ্ৰী আৰু যদি এটা চকুৰ কাৰণে কলে হেতেন 150 ডিগ্ৰী গতিকে অপচন সি কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 47 বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপচন এ মেক্সৱেল অপচন বি ফ্লেমিঙে অপচন সি ৰিয়োষ্টেটে অপচন ডি ফেৰাডে কোনে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াটো মানে পৰিঘটনাটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল
ओके टाइम अफ ए क्वेश्चन तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यूएसटेट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 48 तलर बायो सॉरी बायो कल समूह विद्युत उत्पादन करिबो बारे प्रयोजन बताह दुटी न्यूनतम मान पे ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पावर ऑप्शन बी 25 किलोमीटर पावर ऑप्शन सी 50 किलोमीटर पावर ऑप्शन डी 80 किलोमीटर पावर ओके তেনে এই কোয়েশ্চনটো আনসার কি হ'ব অপশন এ বায়ুকল সময়ত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বতাহৰ দুটি ন্যূনতম মান কিমান হ'ব লাগিব 15 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতিকে অপশন এটো কৰিব এটা নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 49 কোয়েশ্চন নম্বৰ 49 ত কৈছে তলৰ কোনটো ব্যৱহাৰ পৰিৱেশ হিতহি নহয় অপশন কিটা দিয়া হৈছে বেসিক্যালি পৰিবহনৰ বাবে মটৰ গাড়ী বজাৰ কৰিবলৈ মহাবতৰ বেগ অপশন সি দিয়া হৈছে বৈদ্যুতিক হিতা অপশন ডি দিয়া হৈছে ইন্ধন হিচাপে কয়লা টাইম আপ এই কোয়েশ্চনটো কাৰ আনসার কি হ'ব তলৰ কোনটো ব্যৱহাৰ পৰিৱেশিতহি হয় কৈছে হিতহি হয় কলে তেনে কোনটো হ'ব বজাৰ কৰিবলৈ মহাপাত বেগ ব্যৱহাৰ কৰা বা বজাৰ কৰিবলৈ মহাপাত বেগ নিয়া পৰিবহনৰ বাবে মটৰ গাড়ী তাত ইন্ধন খৰচ হয় ডেট মিনছ পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব পাৰে বা বৈদ্যুতিক হিতা তাতো আমাৰ বৈদ্যুতিক শক্তি লাগে সেইকাৰণে ইন্ধন হিচাপে কয়লা তাতো আমাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন খৰচ হৈছে গতিকে অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 50 ডেট মিনছ লাষ্ট কোয়েশ্চন দুটা নিয়মৰ মাজত ফাৰটো কি বুলি কোৱা হয় একদম ইজি কোয়েশ্চন অপশন এ এক্সন অপশন বি ডেনড্রাইট অপশন সি সাইনাপস অপশন ডি পেরোনা ওকে টাইম আপ এই কোয়েশ্চনটো কাৰেক অপশন হ'ব অপশন সি টু কাৰেক সাইনাপস তেন্তে আজি আমি এই ভিডিওটো টোটাল 50টা কোয়েশ্চন ডিসকাস কৰিলো এতিয়া বেসিক্যালি তোমালোকে হিসাব কৰা তোমালোকে 50টা ভিতৰত কেইটা শুদ্ধ কৰিলা আৰু যেটা শুদ্ধ কৰিলা সেইমতে তোমালোকে নম্বৰটো পাইছা যদি তোমালোকে 50টা ভিতৰত 43টা শুদ্ধ কৰিছা ডেট মিনছ তুমি 43 পাইছা যদি গোটেই 50টা শুদ্ধ কৰিছা ডেট মিনছ তুমি 50 পাইছা আৰু যিমানেই নোপোৱা লাগিলে সেইটো তোমালোকে অনেষ্টলি এই ভিডিঅটো তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবা তোমালোকে অনুৰোধ জনাম যাতে অনেষ্টলি লিখা কাৰণ তোমালোকে অনেষ্টলি লিখিলে কোনো একো নাযায় কাৰণ কোনেও কাকো চিনি নাপায় কাৰণ তোমালোকৰ এটা তাৰপৰা কনফিডেঞ্চটা বিল হ'ব তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' হয়তো তোমালোকৰ লগত পুনৰ দেখা হ'ম আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই ধন্যবাদ